तो दोस्तों वन प्लस एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम दोस्तों वन प्लस 9RT, जो कि दोस्तों वन प्लस 9R का दोस्तों सक्सेसर होने वाला है, मतलब वन प्लस 9 का सक्सेसर होने वाला है, जिसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलती है 6.62 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। वहीं दोस्तों ये डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, जिसकी डिस्प्ले और दोस्तों रिफ्रेश रेट की जो दोस्तों आपको मतलब कि क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्वालिटी की नहीं दोस्तों मतलब कि आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इसके रिफ्रेश रेट की दोस्तों बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें आपको हाई ग्राफिक्स में दोस्तों आप गेमिंग कर सकते हैं इस रिफ्रेश रेट की मदद से। और वहीं दोस्तों इसकी मदद से दोस्तों आपको दोस्तों अगर आप ज़्यादा गेमिंग करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, मतलब कि दोस्तों ये बेस्ट वेरिएंट है और इसमें और भी ज़्यादा आपको दोस्तों वेरिएंट देखने को मिलेंगे। जैसे ही दोस्तों ये फ़ोन लॉन्च होगा इसके अंदर दोस्तों पता चल जाएगा दोस्तों कौन कौन से कितने वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों इसके अंदर आपको दोस्तों पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों 50MP का प्राइमरी कैमरा प्लस 16MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा प्लस 2MP का डेप्थ कैमरा, ये दोस्तों आपको तीन कैमरे देखने को मिलते हैं पीछे की तरफ, जिनकी दोस्तों पिक्चर क्वालिटी मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों बहुत ही बढ़िया होने वाली है। वैसे ही दोस्तों वन प्लस 9 जो सीरीज़ थी उसमें दोस्तों बहुत ही बढ़िया कैमरा सेंसर्स थे, जिसकी मदद से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों इसमें भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको पिक्चर क्वालिटी। वहीं दोस्तों इसके फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसकी भी दोस्तों पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है कि शायद तक मुझे ऐसा लगता है, वो तो दोस्तों फ़ोन लॉन्च होने पर ही पता चलेगा कि दोस्तों कैसी इसकी पिक्चर क्वालिटी और फोटो क्लिक करने के बाद ही। वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन के अंदर आपको दोस्तों 4500mAh की बिग बैटरी देखने को मिलती है। वहीं इसमें आपको 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, हमें वन प्लस का वाप चार्जर मतलब कि सुपर वाप चार्जर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों फास्ट चार्जर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वाप चार्जर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपको मोबाइल आधे घंटे में पूरा मोबाइल चार्ज कर देगा आराम से। और दोस्तों इसकी बैटरी मैं जानता हूँ दोस्तों इतनी खास नहीं है कि दोस्तों ये पूरे दिन चल सके, पर दोस्तों ये मतलब कि मिनिमम यूसेज के लिए डेली यूसेज के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आप सिर्फ नॉर्मल यूसेज करते हैं मॉडरेट यूसेज तो दोस्तों ये वाली बैटरी बहुत ही बढ़िया रहेगी। वहीं आप इसमें हैवी गेमिंग करते हैं या फिर हैवी यूसेज करते हैं तो दोस्तों उसके लिए मतलब कि ये बैटरी नहीं हो पाएगी, आपको इसको चार्ज लगाना ही पड़ेगा। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एंड्रॉयड 11 पर दोस्तों ये मोबाइल बेस्ड रहेगा। और वहीं इसके अंदर आपको दोस्तों कलर OS का दोस्तों सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों नया OS है का दोस्तों वन प्लस के अंदर, पहले दोस्तों आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलता था, वहीं दोस्तों अब इसमें कलर OS देखने को मिलेगा, जिसका दोस्तों UI भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है ऐसा हमने सुना है कि दोस्तों जो कलर OS है वो और भी अच्छा है दोस्तों ऑक्सीजन OS से, पर वहीं दोस्तों वो तो पता चलेगा जैसे ही स्मार्टफोन आएगा उसके बाद ही। और दोस्तों इसके अंदर आपको दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, वहीं दोस्तों इसमें आपको सारे सेंसर देखने को मिलते हैं, गायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, मतलब कि सभी आपको इसके अंदर सेंसर देखने को मिलते हैं। सभी दोस्तों आपको आपको डिस्प्ले पे नेम्स दिख जाएंगे दोस्तों, सभी के नाम के कौन कौन से आपको आपको सेंसर देखने को मिलते हैं, सभी के आपको नाम देखने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों इसके अंदर वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, इसमें ब्लूटूथ 5.2, NFC, GPS दोस्तों सभी आपको इसमें चीज़ देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों ये 5G स्मार्टफोन होने वाला है और दोस्तों इसके अंदर आपको 3G और 4G सबका सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करता हूँ मेन चीज़ के परफॉर्मेंस की कि दोस्तों इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर होने वाला है, तो वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 888 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जिसकी दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस, CPU परफॉर्मेंस सभी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि आप जान सकते हैं दोस्तों 888 दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब कि अच्छा माना जाता है दोस्तों, स्नैपड्रैगन में सबसे अच्छा प्रोसेसर माना जाता है दोस्तों, सभी में क्या दोस्तों सभी मोबाइल्स में सबसे अच्छा प्रोसेसर माना जाता है सभी चिपसेट्स में से दोस्तों स्नैपड्रैगन का ये वाला प्रोसेसर। वैसे भी दोस्तों ये स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर है दोस्तों, ये 888 प्लस प्रोसेसर नहीं है, ये सिर्फ दोस्तों 888 प्रोसेसर है, तो दोस्तों इसकी भी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया हैगी। अब दोस्तों बात करेंगे हम कि आपके लिए ये वाला मोबाइल परफेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, ये इसकी प्राइस आपके मतलब कि आपके बजट में रहेगा और आपको ये वाला मोबाइल कैसा रहेगा आपके लिए। अगर दोस्तों ये आपको बताता हूँ मैं, अगर दोस्तों आप गेमिंग के लिए अगर मोबाइल लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये वाला मोबाइल भी बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे भी दोस्तों इसका ऐसा बोला जा रहा है कि दोस्तों 40,000 के अंदर अंदर आने वाला है, तो दोस्तों 40,000 के अंदर अंदर आपको दोस्तों मतलब कि दोस्तों फ़ोन्स तो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दोस्तों IQ7 देखने को मिलता है, IQ7 लेजेंड, ये दोस्तों ये आपको मोबाइल देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हैगी और दोस्तों इनके अंदर आपको 888 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों उन्हें दोस्तों मेनली दोस्तों वो बनाए जाते हैं गेमिंग के लिए, और दोस्तों ये वन प्लस के अंदर आपको फुल्ली पैकेज फ़ोन देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको 888 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों गेमिंग जो आपकी तगड़ी मतलब कि बहुत ही अच्छी खासी तगड़ी गेमिंग कर सकते हैं आप इस मोबाइल के अंदर।
वहीं अगर आपका पर्पस है कि दोस्तों डेली बाय डे यूसेज करने के लिए, मतलब कि आपको डेली यूसेज के लिए अगर मोबाइल चाहिए भी दोस्तों 40,000 के अंदर, मतलब कि 40,000 के अंदर, तो दोस्तों ये मोबाइल भी अच्छा रहेगा। वैसे दोस्तों मैं आपको एक और बताऊंगा दोस्तों वीडियो में कि आपको 40,000 के अंदर कौन सा अच्छा मोबाइल रहेगा आपके डे बाय डे यूज़ के लिए। वैसे दोस्तों अगर आपको डे बाय डे यूज़ के लिए चाहिए, अगर 40,000 का दोस्तों मोबाइल मत लीजिए, आप उससे कम वाला मतलब कि बजट का मोबाइल लीजिए, जिसमें दोस्तों आपके पैसे भी बचेंगे और दोस्तों उसमें भी आपको दोस्तों जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। पर दोस्तों आपको मेनली अगर गेमिंग के लिए चाहिए तो दोस्तों ये वाले मोबाइल की तरफ आप जा सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं कह रहा कि दोस्तों आप इस मोबाइल की तरफ मत जाइए, बस दोस्तों ऐसा है कि अगर आपको ज़्यादा यूसेज के लिए नहीं चाहिए, मतलब आपको नॉर्मल यूसेज करते हैं, आप गेमिंग नहीं करते ज़्यादा, तो दोस्तों ये वाले मोबाइल की तरफ आप इसके छोटे भाई की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप इसके वन प्लस नोट 2 की तरफ जा सकते हैं दोस्तों, वो भी एक 25 से 30,000 के अंदर आने वाला बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। उसमें भी दोस्तों आपको डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो भी दोस्तों गेमिंग के लिए अच्छी, अगर आप नॉर्मल गेमिंग के लिए दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो, और दोस्तों अगर एकदम हाई गेमिंग तो दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। वहीं दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एक और चीज़ अच्छी देखने को मिलती है, वो है दोस्तों कैमरा। आपको इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 16 मेगापिक्सल का दोस्तों अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल रहा है, तो मतलब कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों मेनली कैमरे के लिए मोबाइल चाहिए तो दोस्तों बहुत सारे और भी मोबाइल है, पर वहीं दोस्तों आप अगर वन प्लस के फ़ैन हैं, अगर आप वन प्लस का ही फ़ोन लेना चाहते हैं तो वहीं दोस्तों आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी, अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि दोस्तों आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और दोस्तों अब आपके ऊपर है दोस्तों आपको ये वाला फ़ोन लेना है कि नहीं लेना। और दोस्तों इसकी लॉन्च डेट तो दोस्तों जैसे चाइना में लॉन्च हो गया है, और दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्तों इस महीने नवंबर में आपको दोस्तों ये वाला मोबाइल देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर। वहीं दोस्तों ये थी आज के हमारे वीडियो वन प्लस 9RT के बारे में, इसका रिव्यू डिटेल्स फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन प्राइस सब लॉन्च डेट सबको आपको मैंने आज की इस वीडियो में बता दिया है। वहीं दोस्तों आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मैंने भी आज की इस वीडियो में आपको ये भी बता दिया है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, आप देख कर चल जाते हैं ऐसा मत कीजिए दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की टेक्स रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा, सभी गैजेट्स के रिव्यू लेके आऊँगा, और दोस्तों बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताइए कि दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। और वहीं दोस्तों हमें ये भी बताइए कि दोस्तों आप वन प्लस 9RT के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, और दोस्तों आप ये वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सभी मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से आपके टेक बड़ी ईशान के तरफ से दोस्तों हैप्पी दिवाली, और सभी को दोस्तों सभी के परिवार को भी दोस्तों हैप्पी दिवाली। दोस्तों एंजॉय करिए दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों दिवाली को, और दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब दोस्तों पर सेफ्टी का ध्यान रखना ज़रूर दोस्तों, मतलब कि आप जैसे ज़्यादातर पटाखे मत चलाना, वैसे चलाना दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि कम चलाना, पर दोस्तों मतलब कि ज़्यादा मत चलाना। और वहीं दोस्तों ये और दोस्तों सेफ्टी भी जरूर रखना दोस्तों। वैसे दोस्तों ऐसा बोला जा रहा है कि दोस्तों कोरोना वापस आ रहा है, तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों मास्क ज़रूर लगाना, और दोस्तों खूब इंजॉय करना, खूब मिठाई खाना, और दोस्तों मस्त इंजॉय करना इस बार दिवाली पे। दोस्तों हैप्पी दिवाली टू ऑल माई फ्रेंड्स, दोस्तों मिलते हैं माई नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर टैग बड़ी ईशान।